नमस्कार दोस्तों, ये अब लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनिवासन को हिरासत में लेने की जो कोशिश है वो की जा रही है, उनको उठा लिया गया है। और ये तनाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न है यहाँ पर। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी यहाँ पर श्रीनिवासन को हिरासत में ले लिया गया है पंजाब पुलिस द्वारा, शायद ये हिरासत लिया गया है। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो आगे आगे हैं। तो ट्रैक्टर में एक बार फिर भयंकर आग लगा दी गई है। प्रदर्शन और कह सकते हैं एक बार फिर नहीं चलेगी। इस समय हिरासत में ले लिया गया सभी सीनियर अधिकारियों को। और यहाँ से अब ये जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो जो कांग्रेस के लोग हैं वो वापस जाते हुए यहाँ पर वापस जाते हुए और अब ये विरोध प्रदर्शन का ये आखिरी पड़ाव। और ये देखिए पीछे हो जाओ, तो ये जो आग है वो अब यहाँ लगाई गई है। और आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के लगभग 2.5 घंटे के लंबे चौड़े ड्रामे के बाद अब पंजाब पुलिस ने वापस जाने के आदेश जो है वो इन लोगों को कह रही है। तो एक लंबा चौड़ा प्रदर्शन और प्रदर्शन के बाद अब आखिरी पड़ाव में एक बार फिर पीछे हो जाए, वाटर कैनन आएगा तो ये आखिरी दौर में अपना प्रदर्शन इस समय। और बड़ा सवाल यही, जब पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करना था तो यहाँ पर आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं जो बड़ी हैरान करती है। ये एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है पंजाब की,
पंजाब बॉर्डर के अंदर आग लगती है वो आग को बुझाती नहीं है। हरियाणा का ये वाटर कैनन है, ये चौथी बार इस आग को बुझाता है। तो ये क्या बयां करता है, ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। इस सवाल का जवाब यदि आपको तो सर आप भी पीछे हो गए। तो चार बार आग लगाई गई, हरियाणा जो है वो बार बार आग बुझाता था, पंजाब की फायर ब्रिगेड खड़ी थी वो आग नहीं बुझा रही थी। अब एक बार कहा गया है कि आप इस आग को बुझाएं और ये प्रदर्शन यहाँ अपने आखिरी पड़ाव के ऊपर, और लोग अब वापस जाना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों अब ये प्रदर्शन खत्म है, तीन बिल पास हो चुके हैं, एक लंबा चौड़ा संघर्ष यहाँ पर चला, हरियाणा पुलिस डटी रही, अपना संयम बरतती रही और संयम बरतते हुए उन्होंने इस जो प्रदर्शन है उसको यहाँ पर विफल किया। तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये स्थिति जो उत्पन्न हुई ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर गई है। क्या ये वाक्य में आंदोलन कांग्रेस का है, किसानों का है, दो राज्यों का है, देश का है, आखिर ये है क्या? आपको हमारी कवरेज कैसी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देने बिल्कुल ना भूलें।